हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द नेम ऑफ पोएम इज ए रोडसाइड स्टैंड। फर्स्टली वी विल गो विद द सम लाइंस ऑफ दिस पोएम, देन वी विल अंडरस्टैंड द पोएम लाइन बाय लाइन। नाउ आई एम गोइंग विद द लाइंस। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट At the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically plaid. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flows support the flower of cities from sinking and withering faint. अब इस poem को थोड़ा समझ लेते हैं, इन lines को, ये क्या कहना चाह रही हैं। The little old house was out with a little new shed. द ओल्ड हाउस, इसके थोड़ा सा पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लीजिए कि एक शहर से बाहर एक जगह है जो शहर से थोड़ा काफ़ी दूर है, और उसमें एक रोड जा रही है, और उस रोड के जो किनारे पे है एक छोटी सी दुकान है जिसको हम कह सकते हैं छप्पर सा कह सकते हैं, या एक छोटी दुकान कह सकते हैं जो ग्रामीण लोगों ने अपनी आजीविका के लिए शुरू की होती है, ताकि उन क्योंकि रोड है तो वहाँ पर से ट्रैफिक होगा, लोग आते और जाते हैं, और वहाँ पर जो गाँव की चीज़ें होती हैं, जो उनके अगल बगल जो ग्रामीण अंचल में जो चीज़ें पैदावार होती है उसको वो बेच सकें, उससे उनकी आजीविका भी चल जाती है। ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझ लीजिए, तो उसी बेस है ये कविता है। द लिटिल ओल्ड हाउस, एक पुराना सा घर है, वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, जिसका जो घर है उसका जो शेड है, शेड मतलब छत समझते होंगे, जैसे आप कई बार देखते होंगे कि गाँव में एक रोड के किनारे मकान होता है और वो लोग छत से टीन से एक छोटा सा छप्पर जैसा या थोड़ा सा उसका शेड बाहर निकाल देते हैं और उस पर अपनी एक दुकान खोल देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि एक जो पुराना सा घर है उसकी जो छत है वो थोड़ा सा बाहर निकली है और उस पर उसने एक छोटी सी दुकान का रूप ले लिया है, एक छोटी सी दुकान बना दी गई है उसके माध्यम से, या एक छप्पर बनाया गया है। छप्पर एक अच्छा, ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं लग रहा, तो इसलिए हम कह सकते हैं दुकान बनाई गई छोटी सी। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। अब ये जो छोटी सी दुकान है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, एज ऑफ द रोड का मतलब होता है सड़क का किनारा, इन फ्रंट मतलब सामने, तो ये जो छोटी सी दुकान ये कहाँ पर बनी है, रोड के जो किनारा उसके ठीक सामने पर बनाई गई है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पर कि जो ट्रैफिक होता है वो बहुत तेज होता है, तो ये जो छोटी सी दुकान है जो पुराने से मकान के छप्पर निकाल के या थोड़ा सा उसका जो आंगन है वो बढ़ा करके बनाई गई है, और वो जो घर है, ये जो दुकान है, ये रोड के किनारे पर है, और यहाँ पर से जो गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से निकलती हैं। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ए रोड साइड स्टैंड मतलब ये रोड साइड स्टैंड से तात्पर्य है उस छोटी सी दुकान से, वो जो छोटी सी दुकान है वो ये क्या कर रही है, टू पैथेटिकली मतलब बहुत ज़्यादा पैथेटिकली, मतलब विनम्रता के साथ कह सकते हैं, करुणा ज़्यादा इसमें पैथेटिकली, करुणा से या दुख के साथ कह सकते हैं। प्लेड का मतलब विनती करती है, निवेदन करती है, आग्रह करती है, तो ये जो रोड के किनारे पर एक छोटी सी दुकान है ये शहर से आने वाले लोगों से आग्रह करती है, विनती करती है, क्या विनती करती है, इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि ये जो रोड साइड स्टैंड की दुकानें हैं ये उनसे विनती कर रहे हैं भिक्षा के लिए। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है भिक्षा मांगना, किस चीज़ के लिए, भीख मांगना, या अपने दो टाइम की रोटी के लिए किससे कुछ मांगना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये रोड साइड स्टैंड की दुकानें हैं ये कोई विनती भिक्षा के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि किसके लिए कर रही हैं, बट फॉर सम ऑफ द मनी, ये जो विनती कर रही है किसके लिए, कर कुछ पैसों के लिए। अब ये पैसे भी भिक्षा में नहीं चाहिए, ये पैसे कैसे चाहिए उनको कि भाई हमने क्या करी है, यहाँ पर दुकानें खोली हैं, तो आप लोग जो बाहर से आ रहे हो हमारी दुकानों के पास रुकिए और हमारे से कुछ सामान खरीदिए, जब आप कुछ सामान हमसे खरीदोगे तो क्या होगा, उससे हमें कुछ पैसा मिलेगा और उससे हम क्या करेंगे, अपनी आजीविका को बढ़ा पाएंगे, इस रूप में कहना चाह रहे हैं। द कैश हूज फ्लो सपोर्ट्स, अब देखो आगे कह दिया उन्होंने, द कैश, इनको जो पैसा चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, किस तरह में चाहिए, पैसे के रूप में चाहिए, कैश के मतलब नगद रूप में चाहिए। हूज फ्लो सपोर्ट्स, जो इनको क्या करता है, मदद करता है इनके जीवन को आगे ले जाने में, यही कह रहे हैं कि भाई जो पैसा है ये हमें क्या करेगा, कुछ मदद करेगा हमारी आजीविका को आगे बढ़ाने में। द कैश हूज फ्लो सपोर्ट्स, ये जो पैसा है ये औरों की भी मदद करता है, कैश किन की मदद करता है, द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, फ्लावर मतलब जो संभ्रांत लोग हैं, जो मतलब रिच लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहरों के संभ्रांत लोगों को क्या करता है ये पैसा, फ्रॉम सिंकिंग डूबने से बचाता है, एंड विदरिंग फेंट, विदरिंग का मतलब होता है मुरझाना और फेंट का मतलब होता है मूर्छित होना, तो ये जो पैसा है ये क्या करता है, जो शहर के लोग हैं उनको क्या करता है, डूबने से बचाता है, मूर्छित होने से बचाता है और मुरझाने से बचाता है, मतलब इनके जीवन को क्या करता है, संभ्रांत बनाता है ये पैसा। तो यही पैसा अगर हमको भी मिल जाए
इसका जो सपोर्ट है इस पैसे का, ये थोड़ा अगर हमको भी मिल जाए तो शायद हम भी अपना जीवन थोड़ा बहुत उन शहरी लोगों की तरह बना पाएंगे जैसा वो लोग जीते हैं। ये विनती कर रहा है यहाँ पर कवि इन रोड साइड स्टैंड के दुकानदारों के माध्यम से, इन रोड साइड के स्टैंड के माध्यम से। अब हम अगली लाइन्स को देखेंगे। अब अगली कुछ लाइनों को देख लेते हैं। द पोलिस ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड और इफ एवर असाइड ए मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइन दैट विद एंटर्न रॉन्ग एंड एस्टर्न रॉन्ग ऑफर्ड फॉर सेल विंड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रुक हैग्ड गोल्डन स्क्वेस विद सिल्वर वार्ड्स और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटिफुल माउंटेन्स सीन। अब देखिए ये लाइन्स क्या कहना चाह रही हैं। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद ए माइंड अहेड, पॉलिश का मतलब जिसको मतलब जब किसी चीज़ में हम पॉलिश करते हैं तो क्या होती है, चमकती है। तो यहाँ पर जो चमकती से मतलब यहाँ पर चमचमाती गाड़ियों से, मतलब जो चमचमाती हुई गाड़ियाँ होती हैं ट्रैफिक पास, पास मतलब गुजर जाती है, ट्रैफिक मतलब गाड़ियाँ जो है, ठीक है, जो यातायात है ये इन रोड साइड स्टैंड के सामने जो रोड है उससे बहुत चमचमाती हुई गाड़ियाँ सीधे से गुजर जाती हैं विद ए माइंड अहेड और सीधे आगे निकल जाती हैं। ये कह सकते हैं कि जो चमचमाती हुई गाड़ियों को चलाने वाले लोग हैं ये हमारी दुकानों के आगे से बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं क्योंकि इनके दिमाग में आगे की यात्रा होती है, ये आगे के बारे में सोच रहे होते हैं, ये आगे कुछ इनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है इसलिए इनका ध्यान हमारी तरफ नहीं जा पाता। और इफ़ एवर असाइड ए मूवमेंट, और अगर कभी कभी इनका ध्यान हमारी तरफ चल भी जाता है, मतलब अगर इस और इफ एवर असाइड ए मूवमेंट किसी क्षण में अगर ये हमारी तरफ देख भी लेते हैं तो क्या होता है द आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो ये हमारी तरफ कैसे देखते हैं, थोड़ा सा फीलिंग ऑफ कह सकते हैं आप एंगर, फीलिंग ऑफ एंगर या फीलिंग ऑफ कह सकते हैं आप नॉट फीलिंग वेल, मतलब ऐसी फीलिंग जिससे ये अच्छा महसूस नहीं करता, मतलब गुस्से में। तो ये जब भी अगर कभी कभार हमें देख भी लेते हैं तो हमारे तरफ थोड़ा गुस्से में देखते हैं, नाराजगी से में देखते हैं। और क्यों ऐसा होता है, एट हैविंग द लैंडस्केप, क्योंकि इनका मानना होता है कि ये जो सुंदर सा लैंडस्केप है, जो सुंदर सा जमीन का एक टुकड़ा है, जो एरिया है ये बहुत सुंदर एरिया है, बहुत सुंदर जमीन है, मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मार्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद कर देना। इस सुंदर से लैंडस्केप को, इस सुंदर से पृथ्वी के टुकड़े को, इस सुंदर से एक एरिया को किसी ने इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, कैसे, आर्टलेस पेंट से, ऐसे पेंट से जो आर्टलेस, जिसमें कोई आर्ट नहीं है, जिसमें कोई कला नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहे हो, ऑफ साइन दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, क्योंकि उन जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनका मानना है कि जो साइन बोर्ड भी लगे हैं इस रोड पर, वो जो साइन बोर्ड हैं उन साइन बोर्डों में जो एन लिखा हुआ है और जो एस लिखा हुआ, आपने देखा होगा कि जब गाड़ियां चलती हैं और मोड़ होते हैं तो वहां पर ड्राइवर को इंगित करने के लिए कि भाई आपको थोड़ा आगे ड्राइविंग करने में इजी होगा तो वहां पर साइन लगा देते हैं एन का, कि आगे भाई एन टाइप का मोड़ है या आगे एस टाइप का मोड़ है। तो यहां पर वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं ये मानते हैं कि ये जो एन का टाइप का बोर्ड लगा हुआ है, जो साइन दे रहा है एन का कि आगे एन टाइप का मोड़ है, वो भी गलत लिखा हुआ है, वो भी गलत छपा हुआ है, वो भी गलत ढंग से प्रदर्शित किया गया है। और जो आगे बोर्ड लगाएगा कि इसमें एस टर्न है तो वो एस टर्न मोड भी रॉन्ग, गलत ढंग से दिखाया गया, गलत ढंग से प्रदर्शित किया गया। तो ये सब देख करके वो जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, जो चमचमाती गाड़ियों में बैठे हुए लोग हैं, इनका मूड अपसेट हो जाता है। और क्योंकि अगर ये कभी हमारे तरफ देखते हैं तो इनका ध्यान हमारे बजाय उनकी तरफ ज़्यादा जाता है, वो जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स, जबकि इन लोगों ने क्या करा होता है, ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, जो छोटी दुकानों के चलाने वाले लोग हैं, इन्होंने अपनी दुकानों के बाहर क्या लगाए होते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं तो इन्होंने क्या लगाए होते हैं, ऑफर्ड फॉर सेल, इन्होंने ऑफर करते हैं उन गाड़ी वालों को सेल बेचने के लिए, वाइल्ड मतलब जंगली बेरीज, ठीक है, बेर कह सकते हैं आप इनको, तो जो जंगली बेर होते हैं या जो जंगली बेरीज होती हैं इन्होंने इनको अपनी दुकानों के बाहर सजाया होता है, किसमें, वुडन मतलब लकड़ी के, क्वार्ट्स का मतलब कह सकते हैं टोकरी कह सकते हैं या उसमें डिब्बे कह सकते हैं, लकड़ी के बने हुए डिब्बों में या लकड़ी के बने हुए जो टोकरियां होती हैं उनमें सजाए होते हैं जंगल की बेरीज बेचने के लिए। और क्या सजाई होती हैं, और क्रॉक नेक्ड गोल्डन स्क्वेस विद द सिल्वर वार्ड्स, क्रॉक का मतलब होता है, क्रॉक नेक्ड का मतलब होता है मुड़ी हुई गर्दन, जो मुड़ी हुई गर्दन होती है, गोल्डन स्क्वेस, गोल्डन समझ रहे हो, सुनहरा फल होता है या सब्जी होती है, स्क्वेस कद्दू के तरह का कह सकते हैं आप, विद सिल्वर वार्ड्स, सिल्वर का मतलब होता है सफ़ेद टाइप का चमकता हुआ सिल्वर, सफ़ेद टाइप के वार्ड्स का मतलब उभार, कि हल्के हल्के से जो कीले से उभरी होती हैं, हल्के हल्के से उभार होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ये दुकानदार है इन्होंने अपने बाहर वो जो कद्दू के आकार का एक पीला सा या कह सकते सुनहरा सा फल या सब्जी होती है जिसकी गर्दन मुड़ी होती है और उसमें छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के क्या होते हैं उभार निकले होते हैं और साथ में जंगली बेरीज रखी होती है अपने
लकड़ी के डिब्बों में या लकड़ी की टोकरियों में वो बेचने के लिए रखी होती हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और अगर इनका ध्यान इनकी तरफ भी नहीं जा रहा है, इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाता, तो अगर ये थोड़ी देर के लिए रुकें तो इनको ये महसूस होगा कि ब्यूटी रेस्ट, जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो कहाँ रहती है? इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन, सुंदर पहाड़ों में बसती है। तो जो सुंदरता होती है वो क्या होती है? सुंदर पहाड़ों में बसती है, सुंदर पहाड़ों के दृश्यों में ही बसती है। तो तभी इनको इस पहाड़ों की सुंदरता भी नजर आएगी जब ये लोग यहाँ पर रुकेंगे। अब अगली कुछ और लाइन्स को हम पहले देख लेते हैं। अब अगली कुछ लाइन्स देख लेते हैं। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप यूर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग The heart to the scenery would not be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. अब यहाँ पे देखो आगे क्या कह रहे हैं पॉइंट। यू हैव द मनी, अब कि ये किसके लिए इंडिकेट किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जो शहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए, जो चमचमाती गाड़ियों में लोग चल रहे हैं उनके लिए कहा गया है। यू हैव द मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन तुम क्या हो जाते हो? सेल्फिश हो जाते हो। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा है, इफ़ यू हैव मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन आप क्या हो जाते हो? सेल्फिश हो जाते हो, स्वार्थी हो जाते हो। वाई कीप यूर मनी, तो आपने ये पैसा क्यों रखा हुआ है? दिस क्रॉसली मतलब थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, यहाँ पर कवि को थोड़ा गुस्सा आ रहा है और वो जो पॉइंट है वो थोड़ा गुस्से में कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास पैसा है और आप स्वार्थी हो, सेल्फिश हो जाते हो, मतलब केवल अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है, जो निर्भर हैं आप लोगों पर, जो दुकानें खुली हैं आप लोगों के लिए उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आपने ये पैसा क्यों रखा हुआ है? ये वो बातें किस में कह रहे हैं? गुस्से में कह रहे हैं। एंड गो अलोंग, और आप सीधे आगे निकल जाते हो, तो फिर इन दुकानें जो खुली हैं रोड के किनारे, इनके क्या मायने रह जाते हैं? द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। ये जो लोग हैं, ये जो दुकानें खुली हैं, ये जो छोटी छोटी दुकानें खुली हैं, छोटी छोटी झोपड़ियों से या हट से, या कह सकते हैं ये जोड़े छप्पड़ से जो बने हैं, ये जो सीनरी को, इस जो खूबसूरती को खराब कर रहे हैं, या कह आपके हिसाब से बर्बाद कर रहे हैं, या थोड़ा सा इसकी सीनरी में थोड़ा सा एक धब्बा लगा रहे हैं, इनसे मुझे इतनी कंप्लेंट नहीं है, इनसे मुझे इतना दुख नहीं है कि ये सीनरी को खराब कर रहे हैं, बल्कि सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज एनसेड, जितना दुख मुझे इस बात से है, ठीक है, कि जो ये लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो लोग यहाँ पे भरोसा करते हैं, जो ये दुकानदार आप पे भरोसा कर रहे हैं कि भाई ये आप लोग आओगे हमारी दुकानों के पास, लोगों को सामान खरीदोगे, उससे इनको जो दुख होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? इनको हर्ट कर रहे हो, इनको क्या कर रहे हो? नुकसान पहुँचा रहे हो आर्थिक रूप से, क्योंकि इनसे कुछ खरीद नहीं रहे हो, तो ये चीज़ मुझे क्या करती है? ज़्यादा दुख पहुँचाती है। और यही नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये दुकानदार नहीं कह पाते। वो कौन सी चीज़ें हैं जो ये दुकानदार नहीं कह पा रहे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज अनसेड, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अनकही हैं। वो कौन सी अनकही बातें हैं? वो हम अगली लाइन्स में देखते हैं। अब देखिए, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इट इफ इट विल नॉट मेक आवर बींग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू कीपिंग फ्रॉम अस। अब देखो पीछे उन्होंने जो पॉइंट, उन्होंने क्या कहा कि इनके जो बहुत सारे दुख हैं, इनकी बहुत सारी जो शिकायतें हैं, ठीक है, आप लोगों से, शहर के लोगों से, जो बहुत ज़्यादा अनकही रह जाती हैं, वो कौन सी हैं? उनके बारे में जिक्र हो रहा है कि हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, शहरों से बहुत ज़्यादा दूर, हियर फार फ्रॉम द सिटीज, शहरों से काफ़ी दूर जो हमने क्या बनाया, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हमने रोड के किनारे अपने क्या बनाई है, ये छोटी छोटी जो दुकानें बनाई हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और आपसे ये निवेदन करते हैं, ये आग्रह करते हैं कि आप क्या करोगे, जो शहर का पैसा है, क्योंकि आप शहर में रहते हैं, जो शहर का पैसा है उनको भी हमारे हाथों को महसूस कराओगे, मतलब कि आप आओगे हमारी दुकानों में रुक के कुछ सामान खरीदोगे और हम भी उस शहर के पैसे को क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, जिसको मैंने पहले भी कहा कि हमारी आजीविका को चलाने में मदद करेगा, उसको हम फील करेंगे अपने हाथों में, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बींग एक्सपेंड, कि जो ये पैसा है ये क्या करता है, हमारी आजीविका को क्या करेगा, आगे ले जाएगा, ठीक है, ट्राई इट विल नॉट मेक आवर बींग एक्सपेंड, कि क्या जो ये पैसा है जो शहर के लोगों को संभ्रांत बनाता है, क्या ये पैसा जब हमारे पास आएगा तो क्या हमारी आजीविका को या हमारे रहन सहन को भी ऐसे एक्सपेंड करेगा जैसे शहर वालों को करता है ये पैसा? तो हम ये पैसा महसूस करना चाहते हैं और ये महसूस करना चाहते हैं कि ये पैसा शायद जिस तरह से शहर के लोगों का जीवन के स्तर को ऊंचा करता है, उसी तरह से हमारे हाथों में आकर भी हमारे जीवन का स्तर को ऊंचा करेगा, ये कहना चाह रहे हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, और हमको वैसी जीवन दे पाएगा, कैसा जीवन,
जस्ट लाइक इन द मूविंग पिक्चर, जो आप मूवीज में देखते हैं, जो सिनेमा में देखते हैं। तो जैसे जब आप मूवीज में देखते हैं तो उसमें आप देखते हो कि जो शहर के लोग होते हैं उनका रहन सहन बहुत ऊंचा होता है, वो चमचमाती हुई गाड़ियों में आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, एसी होता है, मॉल्स होते हैं, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल होता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो उनको लगता है कि ये जो सिनेमा में दिखाया जाता है कि जो शहर के लोग हैं ये जैसे मूवीज़ में लाइफ दिखाई जाती है उनकी, अच्छी लाइफ जीते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो क्या जब ये पैसा हमारे पास आएगा तो क्या हमारा जीवन स्तर भी ऐसा ही होगा जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है शहर के लोगों का? ये उनका कहने का तात्पर्य है दैट द पार्टी इज पावर सेट टू द कीपिंग फ्रॉम अस। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जो मतलब आपका लाइफ स्टाइल भी ऐसा हो सकता है जैसे शहर के लोगों का है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, दैट द पार्टी इन पावर, वो जो पार्टियाँ हैं, जो जो दल हैं, जो किस में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, सरकारों में रहते हैं, सेट टू द कीपिंग फ्रॉम अस, वो सब सुविधाओं को आपसे दूर कर देते हैं। मतलब ये जो सरकारें हैं या जो सत्ता में बैठे हुए दल हैं, ये जो सुख सुविधाएं जो शहर के लोगों को मिल रही हैं, ये भी आपको मिल सकती हैं और मिल सकती थी, लेकिन ये जो दल हैं, ये जो सरकारें हैं, ये इन सब सुविधाओं को आपसे क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, वंचित कर देते हैं। किस रूप में वंचित करते हैं, इसको फिर हम आगे की लाइन्स में देखते हैं। अब देखिए, इट इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बाउट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन टू लिव इन ब्लेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्फ एनी मोर। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सरकारें हैं ये क्या करती हैं, आपसे जो आपकी सुख सुविधा उनको दूर कर देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इट इज़ इन द न्यूज, हमने न्यूज में सुना है, हमने न्यूज में अखबार में पढ़ा है दैट ऑल थिंग्स ऑल दीज पिटीफुल किन, जो क्या है, ये सब लोग कैसे हैं, दया के पात्र के लोग हैं, दया के पात्र के लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो दया के पात्र हैं, जो ये शहर से बाहर रह रहे, रोड के किनारे अपने दुकानें चला रहे छोटी छोटी, लेकिन उनकी दुकानें बहुत अच्छा रन नहीं कर रही हैं क्योंकि जो शहर से आने वाले संभ्रांत लोग हैं, इनकी दुकानों के पास गाड़ियाँ नहीं रोकते और कुछ खरीदते नहीं हैं, इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए इनके बारे में सरकारें क्या कर रही है, सोच रही है, ऐसा न्यूज में सुना है। आर टू बी बाउट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन टू लिव इन विलेज, इनको क्या किया जाएगा, इनको जो बहुत अच्छे तरीके से इन गाँवों से निकाला जाएगा और क्या रखा जाएगा, इनके लिए एक ऐसा गांव बसाया जाएगा जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। क्या कह रहे हैं, आर टू बी बाउट आउट मर्सीफुल गैदर्ड इन टू लिव इन ए विलेज, इनको इन गाँवों से हटाकर बहुत अच्छे तरीके से हटा करके, बहुत जिससे इनको परेशानी न हो, वहाँ से हटा कर एक ऐसे गाँव में रखा जाएगा, ऐसे गाँव में बस ऐसा गाँव बसाया जाएगा, ऐसे गाँव में रखा जाएगा नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, जिस गांव के नेक्स्ट मतलब बगल में ही क्या होंगे, थिएटर होंगे, सिनेमा हॉल होंगे, स्टोर होंगे, स्टोर का मतलब यहां पे जहां पर जो जीविकोपार्जन की दिनचर्या, जो रोजमर्रा की दिनचर्या हमारी होती है, उसके जो जरूरी सामान होता है वो बिकता है, ठीक है, जैसे आप मॉल्स कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इनको जो गाँव में वंचित लोग हैं, इनको यहां से हटा करके ऐसे गाँव में बसाया जाएगा जहां पर इनके जीवन की जो जरूरत की चीज़ें हैं, उन सबकी चीज़ें की जरूरत की चीज़ें आसानी से वहाँ पर उपलब्ध हों, इनके मनोरंजन के लिए थिएटर हों और दुकानें आसानी से इनको उपलब्ध हों, ताकि इनके जीवन जो है वो क्या हो, बहुत आसानी से और बहुत कंफर्टेबल जी सकें। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, और इनको ऐसी जगह बसाया जाएगा जहाँ इनको अपने बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। ये इस कविता का यहाँ तक का सार है, ये अभी आधा हुई है कविता, जो पोएम है इसका अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको ये जो यहाँ तक की जितनी लाइन से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।